मैं बच्चा प्रसाद यादव, कल रात जो चिरैया में घटना हुई प्रशासन द्वारा, मैं उसका निंदा करता हूं और बिहार सरकार और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जो व्यक्ति जो ठोकर लाकर जिसका मौत हुआ है उसको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। आज नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि पूरे बिहार में जो शासन प्रशासन चला रही हैं उसका मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि सारा जो जिस प्रकार से चिरैया के व्यवसायियों को घर में घुसकर और उसका घर तोड़कर, गाड़ी तोड़कर, माँ बहन को बेइज्जत कर करीब करीब 60 से 70 निर्दोष लोग को उठाकर जेल के अंदर में बंद किया है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ पुलिस प्रशासन से और बिहार सरकार से भी मांग करता हूँ कि चिरैया के थाना परिसर में जो सीसी कैमरा लगा हुआ है उसको खंगाले और जो दोषी व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई करे और निर्दोष को जिस प्रकार से बंद कर प्रताड़ित कर रहा है उसको छोड़े, नहीं तो चिरैया की धरती हमेशा संघर्ष की धरती रही है, अन्याय के विरोध में हमेशा लड़ने की भी हाल जानती है यहाँ की जनता। अगर ऐसा जुल्म करेंगे तो निश्चित रूप से चिरैया, पूरे चिरैया प्रखंड के लोग रोड पर उतरकर इसका विरोध करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से चिरैया के व्यवसायियों ने आज अपना चिरैया स्थानीय घर छोड़कर दूसरे गांवों में शरण लिया है, यह काफी दुखद घटना है, क्योंकि जो लोग इस घटना में दोषी है वो लोग किसी को ऐसे व्यक्ति को प्रशासन द्वारा नहीं पकड़ा गया है और जो लोग निर्दोष है उसको पकड़कर जेल में बंद किया है। मैं मांग करता हूं पुलिस प्रशासन से यथाशीघ्र निर्दोष लोग को छोड़ा जाए और दोषी हैं, क्योंकि पूरे बिहार के हर थाना क्षेत्र में सीसी कैमरा लगा है, जो उत्पाद किया है तो निश्चित रूप से उसका फोटो उस सीसी कैमरा में होगा, उसको इंगित कर आप कार्रवाई करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन निर्दोष लोग को यदि आप पकड़ेंगे तो हम प्रशासन के विरोध जाएंगे और जो दोषी हैं उसको पकड़कर आप भेजते हैं तो मैं प्रशासन का साथ हूं। और आज जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार लालू राज को जंगल राज कहता था, आज देखिए यह चिरैया की घटना ही नहीं, पूरे बिहार के हर जिले में जाइएगा कहीं हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, खसोट, दारू का धंधा तमाम जगहों चल रहा है और वह चला कौन रहा है? नीतीश कुमार का प्रशासन चला रहा है, नीतीश कुमार का पुलिस चला रहा है। ऐसे में हम मांग करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, आज यदि ऐसा हुआ तो हम लोग रोड पर उतरकर इसके विरोध में आंदोलन करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेंगे।